उत्तर प्रदेश में होने वाले इस बार के निकाय चुनाव में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पार्षद प्रत्याशियों की संपत्ति के विवरण समेत पूरे नामांकन पत्र को सार्वजनिक किया जाएगा। परिणाम आने के एक घंटे में ही यह सार्वजनिक हो जाएगा। जल्द ही परिणाम नामांकन फार्म व शपथ पत्र को अपलोड करने की ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में नामांकन से लेकर परिणाम तक सार्वजनिक कर दिया जाता है। निकाय चुनाव में ये व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। अब निकाय चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया है। कानपुर डीएम विशाख जी के मुताबिक नामांकन और रिजल्ट की फीडिंग संबंधित रिटर्निंग अफसर कराएंगे। हर दिन की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिखेगी। जानकारी अपलोड करने के लिए एक दिन की ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाएगी। इस बार निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कार बाइक व बैलगाड़ी चुनाव चिन्ह का प्रचार करके जनता को रिझाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने को प्रत्याशियों के लिए 58 प्रतीक चिन्ह जारी किए हैं। इसमें पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल के 16 और निर्दलीय प्रत्याशी 22 चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका आदेश विशेष अधिकारी एस के सिंह ने जारी कर दिया है। जहां मान्यता प्राप्त दलों के सिंबल बसपा का हाथी, भाजपा कमल का फूल, कांग्रेस हाथ का पंजा, सपा साइकिल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी घड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाली व हसिया, जनता दल यूनाइटेड तीर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तीन सितारों समेत झंडा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हथौड़ा, हसिया व सितारा, राष्ट्रीय लोकदल, हस्तचलित पंप, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, जनता दल सेकुलर, सिर पर धान रखे महिला किसान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, शेर, आम आदमी पार्टी, झाड़ू, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीडी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह आम, अनाज, ओसता हुआ किसान, उगता सूरज, खड़ाऊ, गमला, ओखली, इमली, खजूर का पेड़, कलम दवात, कार, गाजर, किताब, गुलाब का फूल, कुल्हाड़ी, घंटी, केला, चश्मा, तरकस, छाता, तराजू, झोपड़ी, ताला, चाबी, तोप, त्रिशूल, मुकुट, ड्रम, डमरू, धान का पौधा, ढोलक, नाव, पत्तियां, पेपरवेट, बल्ब, पुल और पेंसिल होंगे। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।